इस मूवी की स्टोरी में हमें एक ऐसी लड़की की कहानी को दिखाया जाता है जिसके पैदा होने पर एक परी उसे एक ऐसी ब्लेसिंग देती है जिसके चलते उसे सभी का कहना मानना पड़ता है। और इस ब्लेसिंग के चलते इस लड़की की लाइफ में और क्या क्या परेशानी आने वाली है, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी की शुरुआत एक किंगडम को दिखाते हुए होती है जहाँ पर हमें एला नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है। एला की माँ एलन एक परी होती है और यहाँ पर एलेनोर की एक दोस्त मैंडी भी उनके साथ रहती थी जो कि खुद भी एक परी होती है। अब इसके बाद लुसिंडा नाम की एक और परी को दिखाया जाता है जिसे पता चलता है कि जब एलेनोर को एक बच्ची हुई है तो वो उसे एक मैजिकल गिफ्ट देने के लिए उसके पास आती है। लेकिन लुसिंडा जब भी जादू किया करती थी वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया करती थी। और मैंडी के आने की खबर सुनकर एलेनोर और उसकी दोस्त एला को छिपा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लुसिंडा आकर फिर भी एला को ढूंढ लेती है। अब यहाँ पर जब वो फेरी लुसिंडा एला को मैजिकल गिफ्ट देती है तब एला जोर से रोने लगती है। अब ये देखकर लुसिंडा काफी परेशान हो जाती है और वो अपने मैजिक से एला को चुप कर देती है। अब यहाँ पर एला चुप हो जाती है और सोने लगती है। अब ये देखकर लुसिंडा एला को ऐसा गिफ्ट देती है कि ये हमेशा दूसरों की बात मानेगी। अब ये बात सुनकर एलेनोर और मैंडी लुसिंडा पर नाराज होती है। वो कहती है कि हमेशा दूसरों की बात मानना कोई अच्छा गिफ्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर लुसिंडा कहती है कि अब मैंने गिफ्ट दे दिया है और अब मैं इसे वापस नहीं ले सकती। और अब इसके बाद लुसिंडा यहाँ से चली जाती है और अब इसी गिफ्ट के साथ एला बड़ी होने लगती है और इस अजीब सी ब्लेसिंग की वजह से इसकी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं और उसे ना चाहते हुए भी दूसरों की उल्टी सीधी बातें माननी पड़ती थी। अब कुछ टाइम के बाद एला की माँ एलेनोर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब यहाँ पर मरने से पहले एला की माँ उससे कहती है कि जो गिफ्ट तुम्हारे पास है तुम इसके बारे में किसी को मत बताना क्योंकि लोगों को ये पता लगने पर वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहती है कि कोई भी दुआ हो या कोई शराब वो इंसान से बड़ा नहीं होता, तुम हमेशा अपने दिल की बात मानो वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा और कोई भी शराब जब तक तुम ना चाहो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता। अब वो यहाँ पर एला को एक लॉकेट देती है और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और अब हमें दिखाया जाता है कि एला बड़ी हो चुकी है। अब एक दिन एला के फादर पीटर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि हमारे हालात खराब होने की वजह से हमारे पास दो ऑप्शन थे जिसमें से पहला था कि या तो हम इस घर को बेच देते या वेल्दी सोशलाइट डीम ओल्गा से शादी कर लें और इसलिए उसके फादर ने दूसरा ऑप्शन चुना जिसमें कि वो डैम ओल्गा से शादी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एला इस चीज में अपने फादर की खुशी देखकर मान जाती है। अब इसके बाद ओल्गा अपनी बेटी हेटी और ओलिव के साथ एला के घर पर पहुंच जाती है। अब क्योंकि ओल्गा यहाँ पर रहने के लिए आई होती है और वो यहाँ पर एला से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती। अब क्योंकि हेटी और ओलिव एला की स्टेप सिस्टर थी और इसीलिए वो यहाँ पर आकर एला को तंग करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पर उन्हें उस एला के गिफ्ट के बारे में तो पता नहीं होता लेकिन वो जो भी बोलती हैं एला को वो करना होता है। अब इसी दौरान हेटी एला से उसकी मदर का वो नेकलेस भी ले लेती है। अब यहाँ पर एला के फादर बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे किंगडम में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हेटी एला को अकेला देखकर उसे जहाँ भी मौका मिलता वो एला की इंसल्ट करने लगती थी। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें प्रिंस चार और उसके अंकल एडगर को दिखाया जाता है। अब क्योंकि चार के फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और तब से किंगडम और चार को एडगर ही संभाल रहा है और यही वजह होती है कि चार एडगर पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है। अब इसके बाद एडगर चार को फ्रेंड लेकर आता है जहाँ पर हेटी और एला की क्लास की बाकी लड़कियाँ चार के नाम पर एक फैन क्लब बनाकर बैठी थी क्योंकि चार इस किंगडम का सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का होता है और साथ ही वो एक प्रिंस भी होता है और इसीलिए किंगडम की सभी लड़कियां उसे पसंद किया करती थी। लेकिन एला इन बाकी लड़कियों से एकदम अलग होती है क्योंकि उसे चार और उसके अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये दोनों किंगडम को बर्बाद कर रहे हैं और चार को एला का यही एटीट्यूड बहुत पसंद आता है। अब चार अपनी स्पीच देने के बाद सभी लड़कियों से बचते हुए एला से जाकर मिलता है। अब चार यहाँ पर एला को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर एला सिर्फ उसे इग्नोर करती है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद चार एला को रोड के बीच में अपना वेट करने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है और अब एला यहाँ पर मजबूर होती है क्योंकि वो अपने गिफ्ट के चलते यहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक से एक कार्ड तेजी से उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है लेकिन यहाँ पर एला कुछ भी नहीं कर पा रही होती है और इतने में ही चार यहाँ पर पहुंच जाता है और वो एला को बचा लेता है। लेकिन वो यहाँ पर इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर एला वहाँ से हिली क्यों नहीं। अब इससे पहले कि चार एला से इस बारे में कोई और बात करता तभी यहाँ पर हेटी पहुंच जाती है और वो एला को ओलिव के साथ घर भेज देती है। अब क्योंकि यहाँ पर हेटी समझ चुकी होती है कि वो जो भी एला वो बोलती है वो करती है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए हेटी एला को शॉप से शूज चोरी करके भागने के लिए कहती है। अब इस बात के लिए सोल्जर एला को अरेस्ट कर लेते हैं और इसके बाद ओल्गा एला को छुटाकर घर वापस लाती है। अब यहाँ पर ओल्गा एला पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। अब यहाँ पर हेटी एला को ये कहने पर मजबूर कर देती है कि ये सब उसके बेस्ट फ्रेंड के कहने पर हुआ है और ये बात सुनकर ओल्गा उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड ओडिडा से अलग कर देती है। अब यहाँ पर एला को इस तरह से उदास देख उसकी हाउस होल्ड फेरी मैंडी उसे एक बुक दिखाती है जो कि असल में उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो एक गलत मैजिक स्पेल के चलते एक बुक में बदल गया था। अब यहाँ पर एला मैंडी से रिक्वेस्ट करती है कि तुम इसे अपने साथ ले जाकर लुसिंडा को कन्विंस करो ताकि जो स्पेल उसने एला के ऊपर किया है वो उसे वापस ले ले। अब यहाँ पर एला को वैनी बताता है कि लुसिंडा जायंट विल में एक शादी को अटेंड कर रही है। अब एला फौरन वहाँ के लिए निकल पड़ती है। अब एला को रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो कि एक एल्फ को तंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एला उन लोगों से बहुत ही अच्छे से फाइट करती है और उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर देती है
और वो यहाँ पर इस तरह से उस एल्फ की जान बचा लेती है, और इसके बाद वो एल्फ उसे अपने गांव में ले जाता है। और वो यहाँ पर आकर एला को बताता है कि मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसे यहाँ पर बाकी एल्फ की तरह एंटरटेनर बनने के लिए फोर्स किया जाता है। अब यहाँ पर स्लेगन को ये भी पता चल जाता है कि ये बुक कोई आम बुक नहीं है, बल्कि ये एक इंसान है जिसका नाम वैनी है। अब इसके बाद चार कोरोनेशन वॉल के लिए एला को इन्वाइट करता है, जो कि यहाँ पर ओल्गा मैंडी से पकड़ लेती है, और वो यहाँ पर खुद के साथ अपनी डॉटर्स को वहाँ पर ले जाने का डिसाइड करती है। अब इसके बाद जब एला और स्लेगन उस ब्लेस से निकल रहे होते हैं, तभी वो यहाँ पर कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कि एल्फ को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे, और उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे ताकि वो पैलेस में जाकर वॉल पर लोगों को एंटरटेन करें। अब एला को ये सब देखकर काफी बुरा लगता है। अब आगे बढ़ने पर एला और शैनन पर ओगर्स अटैक कर देते हैं। अब वो यहाँ पर स्लेगन को एक रस्सी के सहारे पेड़ से बांध देते हैं, और दूसरी तरफ एला को एक रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका देते हैं, जो कि उसे उबलते पानी में डालकर उसे अपना खाना बनाने की तैयारी में लगे होते हैं कि तभी चार यहाँ पर फिर से पहुंच जाता है, और वो यहाँ पर आकर एला को बचा लेता है। अब इसके बाद चार उस ओगर के साथ फाइट करता है जिसने कि एला को पकड़ा था, और वो यहाँ पर उसका लकड़ी का हथियार भी तोड़ देता है, और इसके बाद वो अपनी तलवार उसके गले पर रख देता है, क्योंकि चार के फादर को मारने वाले और कोई नहीं बल्कि ओगर से होते हैं, लेकिन फिर भी चार उन्हें यहाँ से जिंदा जाने देता है। अब यहाँ पर फाइट के दौरान चार को एक जख्म हो जाता है, जिसके बाद एला चार को पट्टी बांधती है। अब इसके बाद जब चार को यहाँ पर पता चलता है कि एला जाइंट विल जा रही है, तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर एला पहले तो चार के साथ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब शैनन उससे उसके साथ जाने के लिए कहता है तो वो मान जाती है। अब इसके बाद ये लोग अपने आगे का सफर चार के साथ शुरू करते हैं। अब यहाँ पर शैनन चार से उसका लॉयर बनने की बात कहता है, और यहाँ पर चार उससे कहता है कि मैं इस बारे में अपने अंकल से बात करूंगा। अब ये बात सुनकर एला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो सोचने लगती है कि ये खुद राजा बनने वाला है और इसे दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब इतनी ही देर में ये लोग जाइंट विल पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर सोल्जर्स को जाइंट को ऐसा तंग करता देख चार काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। अब वेडिंग में पहुंचने के बाद एला को यहाँ पर पता चलता है कि लुसिंडा तो अब यहाँ से जा चुकी है। अब यहाँ पर एला उदास हो जाती है और वो वापस चलने के लिए कहती, लेकिन यहाँ पर चार एला से कहता है कि क्यों ना आज की रात हम यहीं पर रुक जाएं। और अब क्योंकि एला के दिल में भी चार के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी, और इसलिए वो उसके साथ यहाँ पर रुकने के लिए राजी हो जाती है। अब ये दोनों यहाँ पर एक साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। अब चार एला को अपने साथ लेमिया वॉल पर चलने के लिए कहता है, और इसके लिए एला तुरंत मान जाती है। अब अगले दिन ये दोनों महल पहुंचते हैं, और यहाँ पर एला की स्टेप सिस्टर्स भी बॉल अटेंड करने के लिए पहुंच चुकी थी, और यहाँ पर सभी लड़कियों के साथ पैलेस का टूर कर रही होती हैं। अब चार जैसे ही पैलेस में एंटर होता है, सभी लड़कियां उसकी तरफ भागने लगती हैं। अब चार ऐसा देखकर एला को जल्दी से लेकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर चार एला से कहता है कि मैं अपने गार्ड्स भेजकर लुसिंडा को जल्दी ढूंढ लूंगा। अब इसके बाद चार एला को एडगर से भी मिलवाता है। अब चार एला को रिकॉर्ड रूम में छोड़ देता है ताकि वो लुसिंडा का एड्रेस ढूंढ सके, और वो खुद एडगर के साथ ग्राउंड की फिटिंग को चेक करने के लिए चला जाता है। वो यहाँ पर एडगर को बताता है कि वो एला को वॉल पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, उसी जगह पर जहाँ पर इसके फादर ने इसकी मोम को शादी के लिए प्रपोज किया था। अब ये बात सुनकर एडगर बहुत ज्यादा खुश नहीं होता। अब क्योंकि एला जब से चार की लाइफ में आई होती है, तब से चार का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका था, क्योंकि अब वो एडगर से अपने किंगडम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करने लगा था, और ऐसा करना एडगर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एडगर को लग रहा होता है कि शायद एला मेरे लिए खतरा बन सकती है, और इसीलिए वो एला को अपने रास्ते से हटाने के लिए हैटी और ओलिव को खुद से मिलने के लिए बुलाता है। वो यहाँ पर हैटी से कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारी शादी चार के साथ करवा दूंगा। अब ये सुनकर हैटी बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका यही तो सपना होता है, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब यहाँ पर हैटी एडगर को बता देती है कि उसके पास एक ऐसा श्राप है कि तुम उससे जो भी बोलोगे वो ऐसा ही करेगी। अब ये बात सुनकर एडगर को एक आइडिया आता है, और वो सीधा एला के पास जाता है। अब यहाँ पर पहले तो एडगर एला को अजीब अजीब ऑर्डर देता है, वो चेक करता है कि हैटी की बात सच्ची है या नहीं। इसके बाद वो एला को बताता है कि चार आज रात तुम्हें प्रपोज करने वाला है। अब यहाँ पर एला चुपचाप खड़ी एडगर की बातें सुन रही होती है। अब इसके बाद एडगर उससे कहता है कि जब वो तुम्हें प्रपोज करे तब तुम हाँ नहीं बोलोगी, बल्कि इसके बदले उसकी जान ले लोगी, और ऐसा करने के लिए वो एला को एक खंजर देता है। अब यहाँ पर एला ना चाहते हुए भी वो खंजर अपने हाथ में पकड़ लेती है। अब यहाँ पर एडगर एला को बताता है कि चार के फादर को भी मानने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही था, और अब मैं उसे भी अपने रास्ते से हटाना चाहता हूँ ताकि इस पूरे किंगडम पर सिर्फ मैं ही राज कर सकूं। अब एला को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। अब वो यहाँ पर एडगर की बात भी नहीं मान सकती थी, और इसीलिए वो तुरंत पैलेस से निकल जाती है। अब इसके बाद एला एक होटल में पहुंचती है जहाँ पर वो चार के लिए एक लेटर लिखती है, और वो यहाँ पर उसे अपने और उसके बीच जो भी रिलेशन थे वो सब खत्म करने के लिए बोलती है, और इसके बाद वो लेटर में उसे बाय बोलती है। अब यहाँ पर एला को किसी भी तरह से आधी रात तक का समय निकालना होता है ताकि एडगर ने जो उसे ऑर्डर दिया था उसका टाइम निकल जाए, और इस तरह से चार की जान भी बच जाए। अब वो ये सारी बातें शैनन को बताती है, और वो शैनन से अपने आप को एक सूखे पेड़ में बंधवा लेती है ताकि अगर वो पैलेस तक जाने की कोशिश भी करे तो वो ना जा सके। अब वो शादी यहाँ पर स्लेगन से कहती है कि तुम फौरन जंगल चले जाओ, और जितने भी हो सके एल्फ जायंट और ऑर्क्स को जमा करके अपने साथ पैलेस ले जाओ, और वो चार को एडगर से जाकर बचाए। अब स्लेगन उसकी बात मान जाता है, और वो फौरन हेल्प के लिए निकल पड़ता है। अब चार एला का लेटर मिलने के चलते काफी ज्यादा दुखी होता है, और वो अपने पैलेस में बैठा होता है, और वो यहाँ पर बॉल को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा था।
अब इसके बाद रात हो जाती है और एडगर के ऑर्डर का टाइम भी पास आ रहा होता है, जिस पर एला पेड़ से बंधे होने के चलते भी वहां से हिलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर अचानक से कहीं से लुसिंडा पहुंच जाती है, जो कि यहां पर आकर एला की कोई भी बात नहीं सुनती, बल्कि वो उसे यहां पर आकर पेड़ से आजाद कर देती है और उसे एक अच्छे से ड्रेस पहनाते हुए बॉल पर जाने के लिए कहती है। अब एला के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता और वो ना चाहते हुए भी पैलेस के लिए निकल पड़ती है। अब एला को पैलेस में देखकर चार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर चार के ऑर्डर करने पर एला को अपनी सच्ची फीलिंग्स उसे बतानी पड़ती है, जिसके बाद चार उसे उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके फादर ने उसकी मोम को प्रपोज किया था। अब यहाँ पर चार एला को बहुत ही अच्छी तरह से प्रपोज करता है और इसके बाद उसे गले लगाता है, और तभी एडगर का ऑर्डर पूरा करने का समय हो जाता है। अब इसके बाद एला वो खंजर निकालकर उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाह रही होती है और इसलिए वो खुद से फाइट करते हुए उस खंजर को फेंक देती है। पर चार उसे ऐसा करते देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये मुझे मारने के लिए आई है, और इसलिए वो उसे अरेस्ट करवा देता है। दूसरी तरफ स्लेनन एल्फ जायंट और ऑर्क्स को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और ये पैलेस में एंटर होकर एला को फ्री करवाता है। अब यहाँ पर बैनी की मदद से एला को पता चलता है कि एडगर ने ग्राउंड में जहर लगा दिया है। अब ये देखकर एला फौरन ही मेन रूम की तरफ भागती है ताकि वो चार की जान बचा सके और उसे उसकी वहां तक पहुंचने में उसके फ्रेंड्स हेल्प करते हैं। अब ये सब एडगर का स्नैक देख रहा होता है और इसलिए वो इमरजेंसी बटन को दबाकर रेड गार्ड्स को यहाँ पर बुला लेता है। अब यहाँ पर एला को मुश्किल में देख चार से रहा नहीं जाता और वो उसे बचाने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर एला चार को एडगर का सच बताती है और ये भी कि एडगर ने ही तुम्हारे फादर को मारा है। अब चार इतने में ही ये सारी बातें सुनकर कुछ समझ पाता कि तभी एडगर का स्नेक चार पर अटैक कर देता है, जिससे कि एला उसे बचा लेती है। अब एडगर के स्नेक की ऐसी हरकत देखकर चार को सब कुछ समझ आ जाता है। अब ये सब देखकर एडगर खुद भी सच बोल देता है और वो यहाँ पर जोश में आकर वो जहर वाला क्राउन खुद ही पहन लेता है, जिसे पहनने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर चार एला को सबके सामने प्रपोज करते हुए उसे किस करता है और अब मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि अब इन दोनों की शादी हो चुकी है और अब इसी के साथ मूवी की यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।